कर दे प्लीज। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैं उसकी अच्छी तरबियत नहीं कर सकी, मैं उसे अच्छे बुरे में तमीज नहीं सिखा सकी। माफ कर दे सर, माफ कर दे सर, माफ कर दे सर। प्लीज आप खुद को मत कोसे, मैं आपकी कोई गलती नहीं, तुम यह ही बेहकर। माफ कर दे सर, मैंने उस लड़के को घर का रास्ता दिखा, मुझे माफ कर दे। क्या आप क्या कर रहे हैं, मरीज की हालत तो देखिए, आप उन्हें और परेशान कर रहे हैं। प्लीज आप इन्हें प्लीज सर, मुझे माफ कर दे। अम्मी बाहर चलें, मुझे माफ कर दे सर। अम्मी प्लीज, अम्मी चलें, अम्मी प्लीज चलें, अम्मी आ जाएं। अम्मी जनाब अजीब सी बात कर रहे हैं, मेरे बेटे के खिलाफ अगवा का केस कर रहे हैं। प्लीज इनसे जरा पूछें, क्या मेरे बेटे ने उस लड़की को अगवा किया या वो लड़की अपनी मर्जी से गई? आप प्लीज इनसे। आपके बेटे ने वरगलाया है? कोई नहीं वरगलाया है, वो बच्ची नहीं है क्या, वरगलाया वो चली गई है। जनाब असल बात यह है, वो लड़की मेरे बेटे के पीछे बहुत अरसे से लगी रही। इब्राहिम साहब बेहतर होगा कि आप खामोश रहे, इनको पता होना चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इज्जत और गैरत के मामलों में थाना और कचहरी आखिरी ऑप्शन होता है, और मैं FIR दर्ज किए बगैर भी आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, आप परेशान ना हो। जनाब देखें ऐसे जो साहब, सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हम इनके यहाँ रिश्ता भी लेके गए थे, इन्होंने इनकार किया, उन दोनों के पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा, उन्होंने ये कदम उठा लिया। मैं हैरान हूँ, हैरान हूँ मैं। आपने एक लफ्ज भी और निकाला तो मेरे से बुरा। देखिए दानियाल साहब, आप बैठ जाए, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मामलात आते रहते हैं, आप मुझे उन दोनों की तस्वीरें दें ताकि मैं उनको ढूंढ सकूं। और दानियाल साहब कूल डाउन, इस तरह के मामलात में इस तरह का बिहेवियर अच्छा नहीं होता।